जय हिंद दोस्तों कैसे है? आप सभी उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे स्वस्थ होंगे आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि 15 वर्ष पुराने 20 वर्ष पुराने 25 वर्ष पुराने या उससे भी ज़्यादा पुराने वाहनों को आप स्क्रैप कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं जी हाँ पूर्वत वीडियोज़ में मैंने आपको जानकारी स्क्रैपिंग पॉलिसी से रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने दी है साथ ही साथ जो नए नियम भी आए थे पंद्रह वर्ष पुरानी गाड़ियों के पंजीकरण की वो सारी जानकारी मैंने आपको दी है उस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है उसको आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर मैं आपको जानकारी ये देने वाला हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंस्टाग्राम ट्विटर पर और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मिले कि आप हमें स्क्रैपिंग रूल्स के बारे में जानकारी दी सारी चीज़ों को गाड़ियों के पुनः पंजीकरण करवाने के बारे में जानकारी दी लेकिन आपने ये नहीं बता रहे हैं कि गाड़ियों को स्क्रैप कहाँ किया जाए ये स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ पर है मान्यता प्राप्त भारत सरकार के स्क्रैपिंग सेंटर हैं कहाँ कहाँ पर तो आज की इस वीडियो में आपकी ये जो क्वेश्चन था इसका मैं आंसर लेके आया हूँ वो आंसर यहाँ पर है ये देखिए मेरे हाथ में मैंने प्रिंट करके जो ऑर्डर है भारत सरकार का यानी कि स्क्रैपिंग सेंटर की जो लिस्ट जारी की गई है भारत सरकार की जो राज्यों में मैं आपको लगभग पाँच से छः राज्यों के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ जहाँ पर भारत सरकार ने खुद लिस्ट जारी की है अथराइज स्क्रैपिंग सेंटर की ये लिस्ट मेरे हाथ में है और ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप में इंस्टाग्राम ट्विटर पर मिल जाएगी जाकर जुड़कर आप लोग सभी जगह मुझे फॉलो करके रखें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन ऑर्डर कॉपी वगैरह मिलती रहा करें तो मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपको बताने वाला हूँ कि स्क्रैपिंग सेंटर एक्चुअली में है कहाँ कहाँ पर आपके राज्य में वो आपको जानकारी देने वाला हूँ और ये भारत सरकार के मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर्स हैं तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को ले जा के स्क्रैप करवा सकते हैं स्क्रैप करवाने पर आपको यहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद आप नई गाड़ी को लेंगे तो आपको छूट भी मिलेगी सारी चीजों का लाभ आप ले सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक तो आपको देखना ही इस वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को, को सब्सक्राइब करके अभी अभी कर लीजिएगा मैं आपसे बाद में नहीं बोलूंगा तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए आप लोग जैसे आपने अभी किया धन्यवाद और लाइक करने के साथ इसको शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिए ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं जो आप बोलते हैं बेसिकली आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसी के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं तो आप अपने डाउट क्वेश्चन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूं मैं आपको स्टेट वाइज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के आर की लिस्ट जारी कर दी है जो वो बता बतानेंगा कि कहाँ कहाँ पर ए अथराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स से हैं आ, ये सभी रजिस्टर्ड व्हीकिल स्क्रैपिंग सेंटर जो है ये मान्यता प्राप्त है ये आपको ध्यान में रखना है ये कोई प्राइवेट वाले नहीं हैं और दिल्ली के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आर पर यानी कि रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसलिटी जो है ये अलग से वीडियो बनाऊंगा दिल्ली एन के लिए नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आएगी तो वो भी ध्यान से आप लोग देखिएगा तो ये दिल्ली को छोड़ के है ठीक है बाकी के राज्यों के लिए जैसे ही लिस्ट जारी की जाती है मैं वो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा और लिस्ट भी अवेलेबल करवा दूंगा ये वाली लिस्ट आप मैंने आपको बताया टेलीग्राम इंस्टाग्राम ट्विटर और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं तो लिस्ट में जो अथराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स से हैं उसका जो नाम है पता है लोकेशन वो आपको बता देता हूँ ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा चलिए जी सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आंध्र प्रदेश से ठीक है यहाँ पर आर का मतलब क्या है रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप यहाँ पर कुल मिला ये आप समझ लीजिए कि अथराइज ये भारत सरकार के आ, स्क्रैपिंग फैसिलिटी है आप मान लीजिए तो सबसे पहले आ, आ, मैंने आपको बताया कि राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है दो स्थान पर है नाम है डॉक्टर हीमा बिंदु और दूसरा है हिंदुस्तान रिसाइकलिंग हब हाँ। ठीक है ये आर एड्रेस जो है ये आपको आटो नगर में मिल जाएगा आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा लिस्ट तो आपको समझने में आसानी होगी ठीक है और आंध्र प्रदेश में ये आर डीलर नेम जो है डॉक्टर हीमा बिंदु है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा आर स्टेटस अप्रूव्ड है ये अभी ये चालू नहीं है ध्यान सुनिए डॉक्टर हीमा बिंदु वाला नेक्स्ट जो आंध्र प्रदेश में है वो हिंदुस्तान रिसाइकलिंग हब है जो कि गुंटूर ईस्ट में है ये एड्रेस इसका बता दे रहा हूँ पूरा फुल एड्रेस आपको लिस्ट जो दिया है उसमें सब कुछ मिलेगा कांटेक्ट डिटेल भी मिलेगी नाम भी मिलेगा ऑनर का सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी उसको और ये आंध्र प्रदेश में है आरबीएसएफ डीलर नेम है पठान रहमान खान ठीक है आर्मी सब कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है वो भी आप देख लीजिएगा वो मैं नहीं बता रहा हूँ लिस्ट में आपको जो आ, दूंगा वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका मिल जाएगा अप्रूव्ड है ऑपरेशनल है इसका स्टेटस यानी कि अप्रूव भी है भारत सरकार के द्वारा और ये ऑपरेशनल यानी कि चालू हो चुका है नेक्स्ट आसाम में है आसाम में कहाँ कहाँ पर है दो स्थानों पर है नंबर वन है के डी और नंबर वन पे है और नंबर सेकेंड पर महेंद्रा एम सी एम प्राइवेट लिमिटेड दो है तो के डी इको सिस्टम वाला जो है ये बोरसिल रंगिया में है और नेक्स्ट जो यहाँ पर महिंद्रा एम एस टी सी वाला है स्क्रैपिंग सेंटर रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड ये कहाँ के पे है ये आ, कमरूप रूरल अमीन गांव असम में है सत्यप्रकाश शाह इनके ऑनर का नाम है और दिलीप कुमार गोयंका के डी इको सिस्टम के मालिक हैं और इनका नंबर भी है अप्रूव्ड ऑपरेशनल दोनों हैं यानी कि भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है और ये ऑपरेशनल यानी कि चालू है यहाँ पर आप जाकर अगर असम में रहते हैं आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पर आप जाकर अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं उसके एवज में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही साथ आपको नई गाड़ी लेने पर छूट भी मिलेगी रजिस्ट्रेशन करवाने में नई गाड़ी के पंजीकरण करने में सब जगह छूट क्या क्या है वो डिस्क्रिप्शन वीडियो मिल जाएगी उसको जाकर देखिए फिर ड्राइविंग लिस्ट में नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंडीगढ़ चंडीगढ़ में सेलेक्ट टेक्निक टेक्निकल सर्विस प्लॉट नंबर एक इंडस्ट्रियल एरिया में है ये इंडस्ट्रियल फेज में इसके ओनर का नाम है गोपाल कृष्ण इनका कांटेक्ट नंबर भी है अप्रूव अप्रेशनल है ये चालू है नेक्स्ट गुजरात का है गुजरात में पांच पांच अथराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर ओपन किए गए हैं जिसमें सबसे पहला है सी कटारिया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड इसका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा कहाँ पर है ये धोलका में है धोलका हाईवे के पास लॉजी इंडस्ट्रियल एरिया है ये मॉस्कट समर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क खेड़ा ढोलका हाईवे के पास है धर्मेंद्र मिश्रा गुजरात में इसके ओनर का नाम है इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा अप्रूव्ड ऑपरेशनल जितने भी गुजरात वाले हैं सभी अप्रूव्ड हैं और ये ऑपरेशनल है यानी कि कार्यरत कार्य इनका हो रहा है चालू है यहाँ पर आप स्क्रैपिंग करवा सकते हैं नेक्स्ट है गुजरात वाला महिंद्रा एम एस टी सी रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड इसके भी एड्रेस यहाँ पर है हरियाला खेड़ा में और आनंद देश पांडे इसका ऑनर का नाम है नंबर है ऑपरेशनल है ये एक्टिवेट है चालू है एम एस एम टी एस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड थर्ड पर है श्री अंबिका ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड फोर्थ पर है और सुचय रिसाइकलर्स प्राइवेट लिमिटेड पाँचवें नंबर पर है इन सभी का जो एड्रेस है वो इंडस्ट्रियल इस्टेट सनाथ में है नेक्स्ट है अम्बोली कैमराज में है विलेज पहाड़ भाड़ी में है तो इसके सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऑनर का नाम एम वाले का सुनील केरंग है नीतीश नितेश मोदी है श्री अंबिका ऑटो के ऑनर का नाम जहाँ पर स्क्रैपिंग सेंटर होगा और सुचेर श्रीनेक वरेंडी दीवान जी इनका अप्रूव्ड ऑपरेशनल नंबर भी आपको मिल जाएगा लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हम तो मध्य प्रदेश में दो जगह अथ्राइड स्क्रैपिंग सेंटर ओपन किए गए हैं इम्पीरियल कंस्ट्रक्शन अशोक मालवीय का है नंबर ऑपरेशनल अप्रूव्ड है और नेक्स्ट है महिंद्रा एम एस टी सी रिसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड ये भी ऑपरेशनल है अप्रूव्ड है भारत सरकार का द्वारा तो पंकज कवलाकर महिंद्रा एम एस टी सी रिसाइकलिंग के आ, मालिक है यहाँ पर रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो आखिरी राज्य है हमारा इस लिस्ट में जो और एक जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन लगभग तेरह स्थानों पर अथराइज व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स ओपन किए गए हैं इसमें आप लिस्ट जो दे रहा हूँ वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा एस स्क्रैप यार्ड प्राइवेट लिमिटेड है इनका अप्रूवड ऑपरेशनल जित हैं अप्रूवड ऑपरेशनल है, है मोहम्मद सऊब भारत मोटर के जो है इफ्तार अहमद मालिक हैं इंडस्ट्रियल एरिया में है सिकंदराबाद में और इफ्तार अहमद ये भी अप्रूवड ऑपरेशनल है थर्ड नंबर पर भारत स्क्रैप फैसल्टी है मलाय आनंद हैं ये भी अप्रूव अप्रूव्ड है ऑपरेशनल है मैं आपको एड्रेस नहीं बता दे रहा हूँ क्योंकि एड्रेस बहुत लंबा हो जाएगा सारी चीज़ें बताने में कॉपी आपको मिल जाएगी ये वाली आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पर आ जाइएगा वो मैं भेज दूंगा ठीक है आप उसमें पढ़िए और वो अपने पास रखिए उसके बाद डॉक्टर प्रांजल पटेल ने वहाँ पर से रिसाइकिलिंग आई ये अप्रूव्ड ओनली है अभी ऑपरेशनल नहीं है ये और उसके बाद ग्लोबल अल्ट्रा ट्रेक वीरेंद्रदीप सिंह ये भी अप्रूव्ड ऑपरेशनल है गो ग्रीन ईवी हैंडलर्स ये भी अप्रूवड ऑपरेशनल है जय हिंद व्हीकल स्क्रैप ये भी अप्रूव्ड ऑपरेशनल है महिंद्रा एम एस ये भी अप्रूवड ऑपरेशनल है और साथ ही साथ यहाँ पर निर्वाणा स्क्रैपर्स ये भी निर्वाना अप्रूव्ड है अभी ये ऑपरेशनल नहीं है निर्वाणा स्क्रैपर्स वाला और उसके बाद सराय ऑटो सराय ऑटो स्क्रैपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये भी सरफरुद्दीन खान अप्रूव्ड ऑपरेशनल है सिमर साइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड और वी वेंचर्स ये सभी अप्रूव्ड एंड ऑपरेशनल हैं सभी के एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको मैंने बताया कॉपी में दिया है तो ये कुल यहाँ पर छः राज्यों में मैंने आपको बताया जो लिस्ट जारी की गई है केवल छः राज्यों की है बाकी के राज्यों के लिए जल्द ही आएगी वो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और दिल्ली एनसीआर के लिए अगली वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं इसको आप जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा या अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी क्योंकि आपके ये डाउट जो क्वेश्चन था कि हमें बताइए कि अथराइज स्क्रैपिंग सेंटर हैं कहाँ कहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया लिस्ट मैंने आपको दे दी है ठीक है आप उसको पढ़िए समझिए अगर आपकी इच्छा लगे तो वहाँ पर जाइए स्क्रैप करवाइए छूट वगैरह जो है आपको मिलेगी तो यहाँ तक वीडियो देखो बहुत बहुत धन्यवाद अभी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके शेयर करिएगा इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर कौन कर लीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम